बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं, जिसका कारण है पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार के यह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जल्दी पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। सभी राजनीतिक दल रैलियां, जनसभा और संबोधित के लिए लग गई है। इस क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार में 4 रैलियों को संबोधित करेगी। रालोसपा और बसपा ने चुनावी रणनीति पर बुधवार को एक साझा मंथन किया गया। आपको जानकारी दे दें तो बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ भहुआ, बक्सर, बोतिया और मोतिहार में रैली करेगी, लेकिन अभी तक इन रैलियों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ कि किस दिन यह रैलियां होंगी। साथ ही उस गठबंधन में ओबीसी भी मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ओबीसी के साथ भी उपेंद्र कुशवाहा सीमाचल क्षेत्र में मत साझा करेंगे। उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। बुधवार को रालोसपा और बसपा की इस साझा बैठक में सभी सीटों की रणनीति को लेकर बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार 30 साल में बेहाल हो गया, इस बार बिहार में बदलाव होगा और राज्य में शिक्षा, कमाई, दवाई, सिंचाई का और बेहतर इंतजाम किया जाएगा। इस दौरान वहाँ पर मौजूद हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्य कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने कहा कि यह गठबंधन बदलाव के लिए चुनाव कब मैदान में उतरेगी। अब देखना यह होगा कि बिहार में क्या बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।